हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का पुनः ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को नष्ट किए फिलहाल शुरू करते हैं और देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। सो फ्रेजल वर्ब्स, जब वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशंस लगा दिए जाते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है, ऐसे वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अर्थात वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशन लगा दिए जाते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है, ऐसे वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे कीप ऑन, जारी रखना, कीप ऑन एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि कीप एक वर्ब है और उसके पश्चात प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया गया है जिससे कि इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया, इसलिए यह फ्रेजल वर्ब हो गया और इसका अर्थ होता है जारी रखना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। जैसे कि बैक आउट, इसका अर्थ होता है मुकर जाना। अ गुड मैन नेवर बैक्स आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, एक अच्छा आदमी कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। ब्रिंग अप, लालन पालन करना, इसका यूज देखते हैं। आंट पाली ब्राट अप टॉम, आंट पाली ने टॉम का लालन पालन किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं। और भी फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं। जैसे कॉल ऑफ, समाप्त करना। द टीचर्स हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक, अध्यापकों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। ब्रेक इनटू, सेध लगाना। अ थीप ब्रोक इनटू माय हाउस, एक चोर ने मेरे घर में सेध लगाया। अ थीप ब्रोक इनटू माय हाउस, एक चोर ने मेरे घर में सेध लगाया। और भी फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं। जैसे कि एक्ट अपान, के अनुसार कार्य करना। वी शुड एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने बड़ों के सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ब्रेक आउट, फैल जाना। प्लेग ब्रोक आउट इन आवर सिटी लास्ट ईयर, पिछले वर्ष मेरे शहर में महामारी फैल गई। और भी देख लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। कॉल इन, बुलाना। कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, तुरंत एक डॉक्टर बुलाना। कम एक्रॉस, अचानक मिलना। ही केम एक्रॉस मी नियर द पार्क, वह अचानक मुझसे पार्क के निकट मिला। ही केम एक्रॉस मी नियर द पार्क, वह अचानक मुझसे पार्क के निकट मिला। गेट अप, उठना। अ गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा विद्यार्थी सुबह में जल्दी उठता है। गेट डाउन, उतरना। द सोल्जर गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, सैनिक अपने घोड़े से उतरा। सैनिक अपने घोड़े से उतरा। और भी फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। गेट राइट ऑफ, छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू गेट राइट ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। गिव अप, त्यागना या छोड़ना। ही हैज गिवेन अप हिज बेड हैबिट, ही हैज गिवेन अप हिज बेड हैबिट्स, वह अपनी खराब आदतें छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, और भी फ्रेजल वर्ब इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। गो अवे, चले जाना। द यंग मैन वेंट अवे यस्टरडे, युवा व्यक्ति कल चला गया। लुक आफ्टर, देखभाल करना। ओनली गॉड लुक्स आफ्टर ऑर्फन, केवल ईश्वर अनाथ का देखभाल करता है। ओनली गॉड लुक्स आफ्टर ऑर्फन, केवल ईश्वर अनाथ की देखभाल करता है। लुक फॉर, तलाश करना। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं अभी भी एक जॉब तलाश कर रहा हूँ। पुट ऑन, पहनना। वी पुट ऑन न्यू ड्रेसेस ऑन आवर फेस्टिवल, हम लोग अपनी त्योहारों पर नए कपड़े पहनते हैं। पुट ऑफ, उतारना। रवि पुट ऑफ हिज शूज, रवि ने अपने जूतों को उतारा। पुट ऑन, बुझाना। पुट ऑन द लैम्प, बत्ती को बुझा दो, बत्ती को बुझा दो। स्टैंड बाय, साथ देना। नो बॉडी स्टैंड्स बाय इन डिफिकल्टी, कोई व्यक्ति मुसीबत में साथ नहीं देता है। रन ओवर, कुचल देना।
एलिस वाज रन ओवर बाय अ कार। एलिस एक कार द्वारा कुचल दी गई। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि 20 फ्रेजल वर्ब मैंने बताया, खाक दो ठो और फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। गो अहेड, आगे बढ़ना। डोंट लूज हार्ट, गो अहेड। मन मत खो, आगे बढ़ो, अर्थात हार मत मानो, आगे बढ़ो। गेट आउट, बाहर जाना। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर जाओ। फ्रेंड्स, एक और फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। कीप ऑन, जारी रखना। दे केप्ट ऑन शाउटिंग, वे चिल्लाना जारी रखें। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की, तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको माइंड हो गए होंगे। सो आई होप यू हैव लर्न ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।